Hello everyone, welcome to Must Watch Tips by AP. My name is Ayman Sheikh and आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिबॉन एक्सेल में क्या है एंड रिबॉन को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या टैब्स, फीचर्स, फंक्शंस अवेलेबल है. सो वीडियो को शुरू करते हैं. सो ये एक्सेल का सबसे मेन पेज है. जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको ये पेज विजिबल रहेगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे जो नेम्स लिखे हैं दिस ऑल आर टैब. सो ये सारा जो टैब है उसमें जो आप ये रेक्टेंगुलर पार्ट देख सकते हैं, ये पूरा इतना अपर रेक्टेंगुलर पार्ट, इसको हम रिबॉन कहते हैं. सो रिबॉन में फाइल, इंसर्ट, ये सारी चीज़ों को हम टैब कहेंगे. एंड जो ये होम पेज में आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सो ये सबको हम ग्रुप्स कहेंगे. सो अब हम एक एक टैब को रिव्यू करते हैं कि उस पर्टिकुलर टैब में क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है. सो शुरुआत करते हैं हम पहले फाइल्स टैब से. सो फाइल टैब में आपको मिलेगा होम, ये दिस इज द होम पेज. देन न्यू, कि अगर आपको न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है या कोई आपके पास एग्जिस्टिंग वर्कबुक है एंड उसे ओपन करना है सो आप यहां से ओपन कर सकते हैं. इन्फो में आपको मिल जाएगा कि ये एक्सेल फाइल कितने एमबी की है, उसका टाइटल क्या है, टैग क्या है, किस कैटेगरी की है, कब आपने उसे मॉडिफाई किया था, कब आपने उसे क्रिएट किया था. अगर आपने ये एक्सेल फाइल को कभी प्रिंट किया है तो उसका टाइम डेट भी आएगा यहाँ पर. देन इस एक्सेल फाइल का ऑथर कौन है एंड उसे किसने लास्ट मॉडिफाई किया था. फिर इसका लोकेशन कहाँ पर है वो आप यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. देन इस वर्कबुक को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक मीन्स अगर आपने कोई फाइल क्रिएट किया है एक्सेल फाइल एंड आप उसे किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि वो पर्सन या जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वो इस फाइल में कोई भी एडिट ना करें, तो आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट करके शेयर करेंगे तो वो सिर्फ उस एक्सेल फाइल को देख सकता है बट उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है. देन आपके पास इंस्पेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है, मैनेज वर्कबुक का ऑप्शन है एंड इधर कुछ और अगर आपको ब्राउज करना है सो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है. फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव. अगर आपको इस फाइल को सेव करना है सो आप सेव पर क्लिक करेंगे एंड अगर आपने इस फाइल को फ्रेशली ओपन किया है एंड कोई नेम नहीं दिया है तो सेव पर क्लिक करने पर आपको क्या नाम देना है उस फाइल का वो चीज़ आएगा. अगर आप सेव एज करते हैं तो मैं अगर सेव एज करूँगी इसे सो आप देख सकते हैं कि मैं एक्सेल फाइल को क्या नाम देना चाहती हूँ एंड एक्सेल वर्कबुक की जगह अगर मुझे इसे कोई दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है जैसा कॉमा सेपरेटेड हो गया या कोई दूसरा एक्सेल टेम्पलेट हो गया या एक्सेल मैक्रोज के फॉर्मेट में सेव करना है सो उस फॉर्मेट में भी मैं सेव कर सकती हूँ इस फाइल को. देन नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट. अगर आपको इस फाइल को प्रिंट करना है सो आपको किस वे में प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, ये सारे ऑप्शंस आपको इधर मिल जाएंगे. अगर आपको फाइल शेयर करनी है सो इधर से शेयर ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं. इस एक्सेल फाइल को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है या कुछ और कोई और फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट करना है सो आप उस फॉर्मेट में भी एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिश और फिर क्लोज. अगर आप इस एक्सेल फाइल को क्लोज करना चाहते हैं सो क्लोज भी कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल फाइल अब क्लोज हो चुकी है और पहले इधर एक्सेल वन ओपन था, अब यहाँ पर सिर्फ एक्सेल ओपन है जो कि ये सिर्फ नॉर्मल एक एक्सेल ओपन किया गया है, कोई एक्सेल फाइल इसमें ओपन नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, किसी भी ऑप्शंस पे मैं क्लिक नहीं कर सकती हूँ. उसके लिए मुझे कोई एक्सेल फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा एंड अब जाकर मैंने एक्सेल वन ओपन किया है जो मेरा नाम है इस फाइल का. यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट्स कि ये आपका कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है. देन एक्सेल के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है वर्जन के बारे में तो आप यहाँ पर अबाउट एक्सेल में भी जा सकते हैं. अगर आपको अपने ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने
सर्कल्स का रखा है एंड उसकी जगह मुझे क्लाउड्स रखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्लाउड हो गया बैकग्राउंड। देन थीम आपको चेंज करना है, कलरफुल से डार्क ग्रे करना है, ब्लैक करना है, राइट वाइट करना है, सो उसके हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक ऑप्शन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक शेयर करना है सो आप यहाँ से फीडबैक शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन मेन्यू। सो ऑप्शन मेन्यू में हम काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं कि अगर आपको जनरल मेन्यू में कुछ चेंजेस करना है कि हमें ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज करना है जो हमने बाहर से सर्कल किया था, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप। कलरफुल से अगर ब्लैक करना है सो ये थीम जो पूरा है वो अभी ब्लैक हो जाएगा। देन कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज करनी है सो वो चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला में आपको कैसा कैलकुलेशन चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए या डेट टेबल, ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे फॉर्मूलाज के वीडियोस में आएंगे उसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे चेंजेस कर सकते हैं या इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए जैसे कि हम एक्सेल स्मूथली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है डेटा टैब। अब डेटा टैब में आप क्या फंक्शंस को देखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं एंड किस फंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, सो जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे फंक्शंस एंड फीचर्स को कैसे एडिट करना है या क्या फंक्शंस फीचर्स यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडवांस का ऑप्शन है। एडवांस में भी काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हैं चार्ट्स के लिए, प्रिंट के लिए, सो जैसे हम उस टॉपिक पर पहुँचेंगे उसे हमें कैसे एडिट करना है वो चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पर एक कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन भी है। सो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, सो ये सारे जो टैब है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, वो ये सारे टैब्स यहाँ पर है। अभी आप नहीं देख सकते कि ड्रॉ टैब यहाँ पर विजिबल नहीं है क्योंकि मैंने ड्रॉ टैब को यहाँ पर नहीं रखा है, मुझे ड्रॉ टैब का ज़रूरत नहीं था। इसलिए अगर आपको ड्रॉ टैब की ज़रूरत है सो आप इसको राइट चेकबॉक्स पर क्लिक कर ओके कर देंगे, सो आप देख सकते हैं कि ड्रॉ टैब भी विजिबल है। सो अभी मैंने यहाँ पर वो थीम चेंज किया था सर्कल से सर्किट, सो यहाँ पर सर्किट वाला थीम आ गया एंड मैंने कलरफुल से ब्लैक कर दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो चुका है एक्सेल का। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ टैब भी आ गया है। इफ़ अगर आपको ये ड्रॉ टैब या कोई दूसरा टैब यहाँ से रिमूव करना है सो आप कस्टमाइज रिबन में जाएंगे एंड देन आप जस्ट इस पर चेकबॉक्स हटा देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि होम में आपके पास इतने ग्रुप्स है लाइक क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, सो इसमें से भी अगर आपको कोई चीज़ को रिमूव करना है या कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ ऐड करनी है या आपको अपना खुद का कोई न्यू टैब बनाना है, कस्टमाइज टैब जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, सो आप वो भी बना सकते हो। लाइक आप अपना कस्टमाइज टैब भी बना सकते हो, कस्टमाइज ग्रुप भी बना सकते हो। अब हमने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीखा कि टैब क्या है एंड ग्रुप क्या है। हम इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम टैब कहेंगे एंड फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, जो टैब के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इसे हम ग्रुप कहेंगे। दिस इज़ अ फॉन्ट ग्रुप, दिस इज़ अलाइनमेंट ग्रुप। अगर आप चाहो तो कोई टैब को आप रीनेम भी कर सकते हो एंड रीनेम के अलावा इफ़ आप चेंज करना चाहो कि इंसर्ट टैब में टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन है एंड ये आप नहीं चाहते हो कि इस टैब में रहे जबकि ये कोई दूसरे टैब में जाना चाहिए, सो आप उसको उस टैब में भी मूव कर सकते हो। जैसे कि आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके जिस भी टैब में चाहिए उस टैब पर क्लिक कर ऐड पर जा सकते हो। एंड इफ़ किसी फंक्शंस को आप रिमूव करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है फंक्शन लाइब्रेरी जो कि फार्मूला में से मुझे रिमूव करना है, सो मैंने जस्ट इसे क्लिक किया फंक्शंस लाइब्रेरी को एंड मैं रिमूव प्रेस करूँगी सो वो रिमूव हो गया। अब अगर मुझे उसे फिर से लाना है या मुझे कोई दूसरा फंक्शंस इधर लाना है सो मैं सिर्फ उस फंक्शन को सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करूँगी तो वो ऐड हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कस्टम रिबन इन फाइल टैब। सो हमने फाइल टैब में देखा कि कैसे एक्सेल्स को ओपन करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में जानना हो कि हमारी एक्सेल फाइल कब क्रिएट हुई थी या किसने लास्ट एडिट किया है, वो सारी चीज़ें आप फाइल टैब से देख सकते हैं।
सो अब तक हमने फाइल टैब में जो भी ऑप्शंस है उसे रिव्यू किया है, वो ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, वो सारी चीजें देखी है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगी कि फाइल को कैसे ओपन करना है उसका शॉर्टकट, या कोई न्यू फाइल ओपन करनी है उसका शॉर्टकट, या अगर आपको फाइल सेव करनी है सो उसको आप डायरेक्टली कैसे सेव कर सकते हैं। आपको अभी फाइल मेन्यू में जाकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, बट मैं आपको इसी पेज पर रहकर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको एक न्यू फाइल ओपन करनी है सो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक थ्री करके एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। अब इस न्यू एक्सेल फाइल को सेव करना है सो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं कि फाइल को आप कुछ भी नाम देना चाहे वो आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं एंड फाइल का लोकेशन सिलेक्ट करके उस लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग फाइल जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे सेव करना है तो भी आपको कंट्रोल एस ही प्रेस करना रहेगा। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक्सेल फाइल बनी हुई है आपके लैपटॉप में एंड आप उसे ओपन करना चाहते हैं सो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ। सो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर फाइल टैब के अंदर ओपन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियसली आपने यूज़ किया होगा एक्सेल फाइल वो सारी फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो यहाँ से भी आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। एंड इफ यहाँ से आपको वो फाइल नहीं मिल रही है सो आप अपने दिस पीसी वाले लोकेशन में जाकर भी देख सकते हैं। अगर इस लोकेशन से भी आप नहीं ओपन कर पा रहे अपनी फाइल तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज ऑप्शन में आपको इस तरह का टैब विजिबल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि आपको जिधर भी जाकर एक्सेल ओपन करना है सो बस उस एक्सेल फाइल पर क्लिक करिए एंड ओपन को प्रेस करिए सो वो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। सो अभी हमने पूरा देखा फाइल टैब में क्या क्या फंक्शंस फीचर्स अवेलेबल हैं। वैसे ही होम, इंसर्ट और बाकी सारे टैब में क्या फंक्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल है, क्या ग्रुप्स अवेलेबल है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।